Bismillahirrahmanirrahim. Today I am going to teach you general science of class 10 and the chapter name is energy. आज हम energy की type पढ़ेंगे कि उसकी production की type जो है thermal power station वाली कि हमने आज पढ़ना है thermal power के किस procedure के through जो है वो हमें electricity produce करके देता है. Thermal का मतलब होता है हरारत और power का मतलब है बिजली. यानी हरारत को इस्तेमाल करते हुए हमने बिजली बनानी है. इसका मतलब क्या हुआ कि हमने टेम्परेचर को या हीट को यूज़ करना है और कैसे यूज़ करना है जलाने के बाद कि जब कोई चीज़ जलेगी तो वहाँ पर हीट प्रोड्यूस होगी. हीट को प्रोड्यूस होने के बाद हम उसे इस्तेमाल करेंगे बिजली बनाने के लिए. तो इस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं थर्मल पावर. अब हरारत जो है वो कैसे आती है, वो जलने के अमल से जो है वो हमें हासिल होती है. अब जलने के अमल को हम के अमल के दौरान हम किन चीज़ों को जलाते हैं, वो है हमारे पास फॉसिल फ्यूल्स. फॉसिल फ्यूल्स के अंदर आती हैं तेल, गैस और कोयला. फॉसिल फ्यूल्स की ये तीन जो टाइप्स हैं ये बेसिकली फॉसिल फ्यूल्स जो हैं वो चीज़ें होती हैं जो कि हज़ारों साल पहले ज़मीन के नीचे जो है वो दब जाती हैं, उसके ऊपर मट्टी की तरह जमती जाती हैं, मट्टी डिपॉजिट होती जाती है और एंड पे क्या होता है कि जितनी भी बॉडीज एनिमल बॉडीज और उसके अंदर चली जाती हैं या प्लांट्स, तो वो चेंज हो जाती हैं तेल में, गैस में और कोयला में. तो हाँ, ये एक ऐसा सोर्स है जो कि हज़ारों साल लगते हैं फॉसिल फ्यूल्स के बनने में और इस सोर्स को हम दोबारा जनरेट नहीं कर सकते क्योंकि इसके लिए हज़ारों लाख साल जो है वो चाहिए होते हैं. इसका मतलब है कि फॉसिल फ्यूल्स जो है एक ऐसी चीज़ें हैं जो कि ज़मीन के अंदर जो है एनिमल्स और प्लांट की बॉडीज़ के जो है वो जमने के प्लांट की बॉडीज़ के डिपोजिशन के बाद ये कन्वर्ट हो जाती हैं इस तीन चीज़ों के अंदर. अब हम जब इन तीनों चीज़ों को जलाते हैं तो ये चीज़ें ज़मीन के अंदर प्रेजेंट है, इसके अंदर केमिकल्स की वजह से होती है, इसके लिए इसके अंदर जो है वो केमिकल पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हुई होती है. जब हम इन चीज़ों को बर्न करवाते हैं, इसको जलाते हैं, तो वो वहाँ से हीट प्रोड्यूस करती हैं और जब हीट प्रोड्यूस होती है तो उसके बाद हीट से जो है हम पानी को गर्म करते हैं. पानी को गर्म करने की वजह से वहाँ पर जो है वो भाप की सूरत इख्तियार कर जाता है पानी और भाप जब चल जो है वो तेज़ी के साथ मूव करती है तो जब टर्बाइंस के ब्लेड्स के साथ जाकर टकराती है तो टर्बाइंस चलती हैं. टर्बाइंस के जो है उसके ऊपर जो हमारे साइड में जो है वो जनरेटर अटैच होता है. जनरेटर क्या करता है कि उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज कर देता है और हमें प्रोड्यूस करके देता है इलेक्ट्रिसिटी. यहाँ पर मैं आपको एक वीडियो दिखाती हूँ थर्मल पावर स्टेशन की और इसके अंदर इसकी प्रोसीजर किस तरह जो है वो वन बाई वन स्टेप जो है फॉरवर्ड होता है. अब यहाँ पर आप देखेंगे एक वीडियो क्लिप जो है अंदर सबसे पहले जो है ये पूरे थर्मल पावर स्टेशन को दिखाया गया है कि उसके ऊपर से जो है वो स्मोक निकल रही है, नीचे उसके पानी है और सबसे पहली चीज़ जब हम इसके अंदर एंटर करते हैं जो ब्लैक है वो है कोयला. कोल को हम सप्लाई कर रहे हैं और नीचे जो है वाटर रिवर है वाटर के अंदर, ठीक है, रिवर के अंदर वाटर है, वाटर को जो है फिर हम सप्लाई करते हैं. आप देखें ये बॉयलर है जो आपको ये येलो कलर के अंदर नज़र आ रही है बर्निंग, ये बॉयलर है. यहाँ पर हम अपने पानी को बॉयल करेंगे. अब पानी जो है इस बॉयलर की तरफ आहिस्ता आहिस्ता मूव ऑन कर रहा है. जब ये पानी मूव ऑन कर रहा है अभी अंदर नहीं पहुँचा तो ये लिक्विड की स्टेट में ये पानी है, लेकिन जैसे ही ये पानी अंदर की तरफ जाना शुरू होता है तो बर्निंग में हीट प्रोड्यूस हो रही है. हीट क्या करती है, इस पानी को इतना गर्म करती है कि ये हीटम होने के बाद इसकी बबलिंग स्टार्ट हो जाती है और ये भाप की शक्ल के इख्तियार कर लेता है और यहाँ पे भाप हम कहते हैं स्टीम. तो ये स्टीम प्रोड्यूस की उसने. अब ये स्टीम जो होती है वो बहुत ज़्यादा इसके अंदर प्रेशर होता है, जैसे ही ये मूव करती है स्पीड के साथ तो ये जाकर टकराती है टर्बाइंस के साथ. अब टर्बाइंस जो होती हैं वो क्या करती हैं, टर्बाइंस का काम क्या होता है, वो मूव करती हैं. जैसे ही वो मूव करती हैं तो उनके साथ पीछे रोटर शाफ्ट लगा होता है. जैसे ही रोटर शाफ्ट जो है वो मूव ऑन करता है टर्बाइंस की वजह से तो नेक्स्ट जो है हमारे पास उसकी रोटर शाफ्ट के साथ जो है वो चीज़ जो चीज़ अटैच होती है वो होती है उसका इलेक्ट्रिक जनरेटर. अब जैसे ही ये भाप से ये टर्बाइंस चली, टर्बाइंस के बाद जनरेटर तक आया तो जनरेटर जो है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है. इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होने के बाद ये आगे ही है ट्रांसफार्मर में. ट्रांसफार्मर इसको एक जो है डायरेक्शन चेंज करता है, बाद में ये इलेक्ट्रिसिटी को जो है वो टावर्स को सप्लाई कर देता है. होपफुली ये वीडियो आपको जो है क्लियर कर दिया होगा कि थर्मल पावर स्टेशन में इलेक्ट्रिसिटी कैसे प्रोड्यूस होती है. अब नेक्स्ट हमारे पास ये जो हमारे पास थर्मल पावर स्टेशन है इसके माहौल पर क्या असरान है. लास्ट टाइम जो हम लोगों ने पढ़ा था हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन में उसके माहौल पर जो है वो बुरे असरान नहीं थे क्योंकि पानी जो था वो रिन्यूएबल सोर्स था,
लेकिन जब हम पढ़ते हैं थर्मल पावर स्टेशन तो जो उसके माहौल पर स्टार्ट हम हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है ये, क्योंकि ये दोबारा जो है हम इसको रिन्यू नहीं कर सकते, फॉसिल फ्यूल्स को हम दोबारा नहीं बना सकते, यानी एक दफ़ा कोयला यूज हो गया तो वो जलकर ख़त्म हो जाता है, हम उसको उस कोयले को दोबारा यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि थर्मल पावर स्टेशन में हम इन चीज़ों को दोबारा यूज़ नहीं कर रहे। और लेकिन जब हमने हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर में पढ़ा था, जो पानी हम यूज़ कर लेते हैं हम उसको दोबारा से रीयूज कर सकते हैं, लेकिन इसके अंदर हम इसको रीयूज भी नहीं कर सकते और ये रिन्यूएबल है, हम इसको रीन्यू भी नहीं कर सकते, दोबारा ये कोयला हम प्रोड्यूस नहीं कर सकते। और इसके अलावा जब हम बर्न करते हैं, बर्निंग में जब कोयला जलता है तो वो क्या करता है, माहौल को आलूदा करता है, क्योंकि वहाँ से धुआं निकलता है, धुएं के निकलने की वजह से फिजा में आलूदगी पैदा होती है। तो होपफुली आपको आज का लेक्चर क्लियर हो गया होगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।